मेरे नैनो किन्नूर, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप सब लोग को बबली गुप्ता, जो कि मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं और भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, उनका एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ये मुझे बड़े प्यार से दीदी कहते हैं, दीदी जी, और मैं भी इनको छोटे भाई की तरह बेहद सम्मान देती हूँ। इनके आर्टिकल अक्सर हमारे पास आते रहते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर हैं और समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। आए दिन गणेश उत्सव कराना, बच्चों का कॉम्पिटिशन कराना, उनको अपने पास से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत हंसमुख बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। तो इन्होंने बड़ी प्यारी सी कविता हमारे पास भेजी। कहती है कि एक बार चांद को भगवान से शिकायत हो गई, भगवान रामचंद्र से शिकायत कर बैठा कि दीपावली का त्यौहार आया था और अमावस्या की रात में आपने उसे मनाया था, क्योंकि जो दीपावली है वो अमावस्या की रात को ही मनाई जाती है। तो कहता है कि अब अमावस्या है तो चांद निकले कैसे, तो इसलिए कभी बेचारा दिवाली मना ही नहीं पाता है। तो ये जो उनकी कविता है बड़ी मधुर कविता है, उसमें इन्होंने बताया कि चांद जो है वो किस प्रकार खुद को अपने आप को शेष बता रहा है, किस तरह अपने आप को भगवान से जोड़ लेता है और किस तरह उनसे प्रेम भरी शिकायत करता है। और जब प्रेम भरी शिकायत होती है, जहाँ पर इतना प्यार हो सम्मान हो, तो क्या होता है कि भगवान राम को भी उसकी बात से सहमत होकर उसे वरदान देना पड़ा। तो कहते हैं, जब चांद का धीरज टूट गया वो रघुनंदन से रूट गया, बोला रात को आलोकित हमने ही करा है, रात को आलोकित हमने ही करा है, स्वयं शिव ने हमें अपने सिर पर धरा है। तुमने भी तो उपयोग किया है हमारा, तुमने भी तो उपयोग किया है हमारा, हमारी ही चांदनी में सिया को था निहारा, सीता के रूप को हमी ने है संवारा, सीता के रूप को हमी ने है संवारा, चांद के तुल्य उसका मुखड़ा निहा खारा। जिस वक्त याद में सीता की तुम चुपके चुपके रोते थे, जिस वक्त याद में सीता की तुम चुपके चुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग बस हम ही जागते होते थे। संजीवनी लाऊंगा, संजीवनी लाऊंगा, लखन को बचाऊंगा, हनुमान ने तुम्हें कर दिया था स्वस्थ, मगर अपनी चांदनी बिखेर कर मार्ग मैंने ही तो किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले से लगाया मगर हमारा कहीं नाम भी नहीं आया, तुमने हनुमान को गले से लगाया मगर हमारा कहीं नाम भी नहीं आया। रावण की मृत्यु पर मैं भी प्रसन्न था, रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मेरा भी मन था, मैंने भी आकाश से पृथ्वी पर झांका, मैंने भी आकाश से पृथ्वी पर झांका, गगन में सितारों को बड़े जतन से टांका, सभी ने तुम्हारा विजय उत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन सा सजाया, इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, बताओ मुझे फिर क्यों तुमने बुलाया, बताओ फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्यों तुमने अपना विजय उत्सव अमावस्या की रात को ही मनाया। अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते, अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते, आधे अधूरे ही सही हम भी तो शामिल हो जाते, मुझे सभी सताते हैं सभी चिढ़ाते हैं, मुझे सभी सताते हैं चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दिवाली अमावस्या के दिन ही मनाते हैं लोग। तो राम ने कहा, क्यों व्यर्थ में घबराता है, तो प्रभु श्री राम ने कहा, क्यों व्यर्थ में घबराता है, जो कुछ खोता है वही तो पाता है, जा तुझे अब लोग ना सताएंगे, जा तुझे अब लोग ना सताएंगे, आज से सब तेरा ही मान बढ़ाएंगे, जो मुझे राम कहते हैं, जो भी मुझे राम कहते हैं वही आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे, वही मुझे आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। तो भगवान श्री राम के साथ चंद्रमा का नाम इस तरह जुड़ा, तो भगवान श्री राम राम से श्री रामचंद्र बन गए। तो भाई बबली गुप्ता की ये कविता आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जिस तरह चांद की सुंदरता प्रभु श्री राम से बड़ी थी, कि भाई
प्रभु राम के साथ उसका नाम जुड़ा, रामचंद्र हो गया, चंद्रमा को सब लोग याद करने लगे, भगवान ने सुवरदान दी, जाओ भाई तुम्हारा लोग मान बनाए। उसी तरह आप सबसे ही मेरी सुंदरता है, मेरा अस्तित्व है, तो आप सब जितने भी मेरे इस चैनल पर जुड़े सब के सब लोग भाई मुझे बेहद प्रिय है, आप सब मेरी अमूल्य निधि है, आप बिना आपकी कुसुम मैडम कुछ भी नहीं है, चाहे मम्मी कहो, चाहे माता कहो, चाहे दीदी कहो, चाहे बहन करो, लेकिन जो भी हो हमारी आप में प्यार बनाए रहे। तो भाई इस चैनल से जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी नैनों के नूरों को टाटा बाय बाय।